तो गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू आज हम लोगों का लेक्चर होगा अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स लास्ट क्लास में जब हम लोग वर्क पढ़ रहे थे वर्क का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिसमेंट वी नो अबाउट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिसमेंट इस फॉर्मूले को यूज करते समय हम लोग एक एग्जाम्पल पर पहुंचे थे जहां पर एग्जाम्पल कुछ ऐसा था कि किसी ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया जा रहा था एट एनी एंगल थीटा, एट एनी एंगल थीटा, जो हॉरिज़ॉन्टल के साथ या कह सकते हो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बना रहा था थीटा मैंने बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फोर्स को हम लोग रिजोल्व कैसे कर सकते हैं इट इज एफ कॉस थीटा अलोंग दिस डायरेक्शन एंड एफ साइन वाई डायरेक्शन डेट इज एफ साइन थीटा। इसके लिए याद करने का ट्रिक क्या है कि जिस भी एक्सिस के साथ विनो डैट की दो तरह का एक्सिस होता है एक होता है वाई एक्सिस और दूसरा होता है एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस हो गया दिस इज वाई एक्सिस So, जिस भी एक्सिस के साथ एंगल जुड़ा हुआ हो अगर एक्स एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है तो आप इस डायरेक्शन में जब कॉम्पोनेंट लेंगे तो उधर कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे अगर आप वाई डायरेक्शन में मतलब जिसके साथ थीटा नहीं जुड़ा हुआ है उस डायरेक्शन में अगर आप कॉम्पोनेंट लेंगे तो साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे याद रखिएगा ये रिजोल्यूशन तभी हो पाएगा जब दो एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा ऐसा नहीं है कि एक एक्सिस ऐसा है दूसरा ऐसा है और बीच में एंगल ऐसा कुछ फोर्स है दोनों में ध्यान दीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है अगर मैं बोलू कि इस डायरेक्शन में लेट से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई डैश मैं बोलू कि ये एंगल है थीटा इधर की तरफ आप लिख दीजिए एफ कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में लिख दीजिए साइन थीटा तो ये गलत होगा ऐसा आप नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि इन एक्सिस के बीच में इन एक्सिस के बीच में दो एंगल ए, दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा नहीं है करेक्ट ओके okay. हर्षराज हर्षराज दो लोग ज्वाइन है हर्ष अनम्यूट करके बोलिए यस सर आपके दो नाम से लॉगिन है नहीं सर ये कौन है हर्ष हर्ष तो एक हॉस्टल में है और एक टूम हो ये कौन है दूसरा हर्ष कौन है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ओके यस सर ओके ओके म्यूट कर लो ओके okay, ग्रेट तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं मैं बोल रहा था कि अगर इन दोनों एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है तो आप फोर्स को रिजोल्व इस तरीके से नहीं कर सकते जिस इज रॉन्ग मेथड <coughs> सॉरी ठीक है तो फोर्स रिजोल्यूशन में आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर आप किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करते हो दो परपेंडिकुलर एक्सिस में याद रखिएगा फोर्स कैन ओनली बी रिजॉल्वड अलोंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस दो परपेंडिकुलर एक्सिस के तरफ ही रिजॉल्व कर पाएंगे एक जिसके साथ थीटा जुड़ा हुआ है उधर cos थीटा एक जिससे थीटा नहीं जुड़ा हुआ है उधर साइन थीटा करेक्ट चलिए इस पर बेस्ड हम लोग एक एग्जांपल करते हैं तो दिस इज द क्विक रिवीजन अबाउट योर प्रीवियस क्लास कुछ एग्जाम्पल करते हैं आफ्टर वी विल बैक टू योर अच्छा आ, उससे पहले मैंने बोला था कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए है ना सुनील सर ने आप लोगों को पहले भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखा है मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूं जो लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्लास उस समय अटेंड नहीं कर पाए थे ये उनके लिए होगा जो लोग किए थे उनके लिए एक रिविजन हो जाएगा करेक्ट सो लेट्स बिगिन विद द ट्रिग्नोमेट्री ट्राइगोनोमेट्रिक देखो ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है वैसे तो आप लोग मैथ्स में इसको पूरे डिटेल में पढ़िएगा पर मुझे जितना चाहिए है जितना मुझे रिक्वायरमेंट है वो ये है ट्रिग्नोमेट्री हमें बताता है इट इज द रेशियो ऑफ टू लेंथ दो लेंथ का रेशियो ही हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है छह तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पढ़ना जरूरी है टा ठीक है एक होता है साइन ट्रिग्नोमेट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरा होता है trigonometric ratio. That is cause, और साथ में एंगल थीटा तीसरा होता है टेन या टेन से पहले मैं साइन के बगल में ही यहां पर लिख देता हूं इसका साइन का अपोजिट हो जाता है कौशिक मतलब इन्वर्स हो जाता है सॉरी हाँ ठीक है कौशिक कौशिक थीटा और कॉस का इन्वर्स हो जाता है सेक थीटा ठीक है एक होता है टेन थीटा ठीक है और टेन का इन्वर्स हो जाता है कॉट थीटा इनमें से आपको ये दोनों ही जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इनके बारे में समझ गए तो बाकी के ये जो चार हैं ये आप ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा है ना मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज फोर दिस इज फाइव एंड दिस इज सिक्स अब समझिए कि कैसे दो को इन्फॉर्म दो का इंफॉर्मेशन मिलने के बाद बाकी सब के बारे में इजिली ध्यान से हम लोग पढ़ सकते हैं या इसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं सी थीटा प्राइमरी है आपको इसके बारे में नॉलेज चाहिए चाहिए ही चाहिए होगा थीटा यह भी प्राइमरी है टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड थीटा दिस इज साइन थीटा बाय थीटा इसका डेरिवेशन से आता है, कैसे आता है है कैसे वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है. ये आपको कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा हमेशा है ना आने वाले फ्यूचर में भी ये सब जगह यूज होने वाला है साइन थीटा प्राइमरी हो गया थीटा ये भी प्राइमरी हो गया टेन थीटा इन दोनों से डिराइव होकर बनता है डेट इज साइन थीटा बाई थीटा कौशेक थीटा जो होता है ये साइन थीटा का इनवर्स होता है इनवर्स मतलब वन बाई साइन थीटा इज थीटा ठीक है और वन बाई कॉस थीटा इज सेक थीटा वन बाई कॉस थीटा इज सेक थीटा और कॉट थीटा होता है वन बाई टेन थीटा वन बाई टेन थीटा ठीक है अच्छा टेन थीटा को अगर आप साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे ये वाला वैल्यू अगर आप यहां पर लिखेंगे तो वन डिवाइडेड बाय वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ये आपको रेशियो दे देगा ये इन्वर्स हो जाएगा डेट विल बी डिडेड बाई थीटा ठीक है तो आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं जरूरी नहीं कि हर बार वैसे तो ये बार बार प्रैक्टिस करते करते आपको सब याद हो जाएगा बट आपको इतनी चीजें आपको मिनिमम याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा साइन का इनवर्स कौस का इनवर्स sec and tan का यहां तक क्लियर है इसमें किसी को डाउट है कुछ पूछना है यू में रेज योर हैंड और आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं आगे बढ़े फिर ओके <coughs> okay. आशुतोष ने हैंड रेज किया है यस आशुतोष जस्ट मिनट मैं आपको अनम्यूट करता हूं सर हाँ सॉरी हाँ बोलो बोलो अनम्यूट कर लो प्लीज सर कॉट का फिर से बता दीजिए कॉट देखो कॉट थीटा होता है टेन का इनवर्स वन बाई टेन थीटा इज कॉल्ड एज कॉट थीटा और यहां से इस इक्वेशन से देखिए टेन थीटा इज इजिकल टू क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो मैं टेन थीटा के जगह पर लिख दिया साइन थीटा बाई थीटा ठीक है अब वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई थीटा तो कौस थीटा ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में और साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा अगर इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन ऊपर जाएगा कौन डिनोमिनेटर में आएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दिस कैन बी रिटेन एज इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो वन डिवाइडेड बाय वन ये बचपन का ट्रिक है ना वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा बचपन में ऐसे ही करते थे बचपन में हमें सिखाया गया है पहली और दूसरी में ही कि अगर डिवाइड साइन को हटाना है मल्टीप्लीकेशन लाना है तो आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा तो सिमिलरली हम लोग इसको उल्टा करके लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा आशुतोष क्लियर है क्या ठीक it... yes, yes, है अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मेट में अपने को पढ़ना होता है नाउ इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू आप सबको याद रखना होगा अगेन मैं वो स्टैंडर्ड वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूं स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोग याद रखिएगा है ना मैं यहाँ पे कुछ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मैं वैल्यू लिख देता हूँ ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेगा और यहां पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होंगे जैसे थीटा इज इक्वल टू जीरो इक्वल टू थर्टी कुछ स्टैंडर्ड है एंगल्स हैं जो सब क्वेश्चन में पूछा जाता है, है ना तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद होने चाहिए ये जीरो हो गया थर्टी हो गया ये फोर्टी फाइव हो गया ऐसे सिक्सटी हो जाएगा है ना लिखते चलते फिर भूल जाएंगे यहाँ पर लिख देते हैं रेशियोज का नाम जो भी रेशियो इस्तेमाल होने वाला है वो रेशियो ये रेशियोज का मैंने नाम लिख दिया यहां पर मैंने लिख दिया थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री ये थर्टी डिग्री ये फोर्टी फाइव डिग्री ये सिक्सटी डिग्री और सिक्सटी डिग्री के बाद डायरेक्ट आता है नाइन्टी डिग्री ठीक है इसके बाद एक और लिख लीजिए वन एटी डिग्री 180 degree. One, sorry, 180 degree. ठीक है इसका यूज देखते हैं अगर जरूरत पड़ा तो करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे हाँ आदित्य बोल रहा है थर्टी सेवन और फिफ्टी थ्री भी बता दीजिए तो चलिए वो भी 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 भी। ओके ठीक है तो लास्ट में हालांकि ये आपको अभी यूज में नहीं आएगा बट यू शुड नो अबाउट दिस वन ऑल्सो थर्टी सेवन एंड फिफ्टी थ्री ये भी एक स्टैंडर्ड ही है चलिए टेबल बड़ा छोटा हो गया कोई नहीं कैन मैनेज ओके तो यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले लिखते हैं पहला हो जाएगा साइन थीटा जैसा मैंने बोला कि ये हमारे बेसिक है साइन थीटा अंशु कुमार ज्वाइन नहीं हो रहा है क्यों मीटिंग लॉक नहीं है सर मीटिंग अनलॉक है मतलब ही कैन मेरे पास वेटिंग में भी नहीं आ रहा उसका ओके टेल हिम टू बिकॉज यहां से मीटिंग लॉक नहीं है ही कैन ज्वाइन नाउ ये जो थीटा का वैल्यू है थीटा का वैल्यू यहां पर लिखा हुआ है दिस जीरो डिग्री इज नथिंग बट थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री अगर मैं यहाँ पर जीरो लिखा हो इसका मतलब यह है कि साइन जीरो कितना होगा तो साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो ठीक है? साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो ये साइन थर्टी डिग्री का वैल्यू होता है वन बाई टू वन बाई टू साइन फोर्टी फाइव डिग्री का वैल्यू होता है वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू साइन सिक्सटी डिग्री का वैल्यू होता है साइन सिक्सटी डिग्री का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टूस्टल में विजिबल है ना कोई दिक्कत तो नहीं है साइन नाइनटी वन यस क्लियर विजिबल ओके साइन वन एटी ये जीरो होता है ये जीरो डिग्री होता है साइन uh, एटी का भी वैल्यू जीरो ही होता है यहां पर लिखना था थर्टी सेवन एक ये ऑर्ड नंबर है जैसे ये कैसा सीरीज में है पंद्रह पंद्रह का डिफरेंस पर है पं, तीस पंद्रह पैतालीस पंद्रह साठ और उसके बाद डायरेक्ट नाइनटी तो ये ऑर्ड में है थर्टी सेवन और एक होता है फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री डिग्री साइन थर्टी सेवन याद रखिएगा साइन थर्टी थ्री तो थ्री से हो जाएगा थ्री बाई फाइव ठीक है और सिमिलरली साइन फिफ्टी थ्री का हो जाता है फोर बाई फाइव करेक्ट यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं एक कंप्लीट हुआ हाँ थर्टी सेवन फिफ्टी थ्री का कहां से आता है देखो सारे जो वैल्यूज हैं चाहे तो आप एक पर्टिकुलर थर्टी सेवन डिग्री का एंगल पर आप बना लीजिए लेट लेट से ये एक, आपका एक्सिस हो गया और आप एक थर्टी सेवन डिग्री का एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करिए ऐसा यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इस नाइन इस ये जो हाइट है यहां से लेकर के यहां तक का ये जो हाइट है यहां से लेकर के यहां तक का इस length को Let's say this length is L1. इस लेंथ लेंथ को को मेजर मेजर करिए, करिए, ये तो हो थर्टी सेवन डिग्री थर्टी सेवन डिग्री विल बी एल बाई एच जो आप ये रेशियो निकालेंगे दैट विल बी थ्री बाई फाइव ठीक है ये थ्री बाई फाइव होगा चलिए आगे बढ़ते हैं साइन थीटा के बाद नेक्स्ट जो हमारे लिए इसके लिए दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं रेड कलर कौस थीटा कौस थीटा कॉस थीटा का इसका उल्टा चलता है देखो एक अगर साइन का आपने वैल्यू याद कर लिया तो इसमें उल्टा चलेगा कॉस में देखो साइन साइन जीरो जीरो होता था कॉस जीरो वन हो जाएगा है ना ये जो नाइन्टी तक जो वैल्यू लिखा है ना इसको रिवर्स कर दीजिए कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू हो जाएगा कॉस फोर्टी फाइव सेम एज साइन फोर्टी फाइव के बराबर वन बाई रूट टू होगा कॉस सिक्सटी साइन थर्टी के बराबर बोले तो वन बाई टू होगा और कॉस 90 का वैल्यू जीरो हो जाएगा ठीक है था माइनस वन होता है माइनस वन ठीक है सिमिलरली यहां पर भी आप इस प्रोसेस को उल्टा कर दीजिए कॉस थर्टी सेवन फोर बाई फाइव होगा है ना और कॉस फिफ्टी थ्री ये थ्री बाई फाइव होगा बोलिए इसमें किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है इसमें कुछ डाउट होना भी नहीं चाहिए एक्चुअली ये आपको डायरेक्ट याद ही करना है इसमें समझने लायक कोई चीज नहीं है ठीक है ये हो गया साइन थीटा थीटा आप ऐसा टेबल बनाइए जहां पर आप स्टडी करते हो आप अपने पास रखिए इसको ताकि जब इसको बार बार आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा ये वैल्यू ये हो गया कॉस आफ्टर डैट आफ्टर डैट हम लोग टेन थीटा लिखेंगे टेन थीटा आपको याद है टेन थीटा क्या था साइन थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा लेट्स टॉक अबाउट टेन थीटा जीरोड बाई वन साइन डिवाइडेड बाई कॉस्ट टेन होता है सो जीरोड बाई टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री बाई टू देखो टू टू कैंसिल हो जाएगा और बचेगा वन डिवाइडेड बाई रूट थ्री सिमिलरली वन बाई रूट टू डिवाइडेड बाय वन बाई रूट टू वैल्यू आ जाएगा वन रूट थ्री बाई टू डिडेड बाई वन बाई टू आपका वैल्यू आ जाएगा रूट थ्री वन बाई जीरो वन बाई जीरो को हम लोग इनफाइनाइट नंबर मानते हैं किसी भी चीज में आप जीरो से डिवाइड करेंगे दैट वैल्यू विल बी इनफाइनाइट के टर्म्स में इसको नॉट डिफाइन कहा जाता है पर हम लोग फिजिक्स में इसको इनफाइनाइट कहते हैं ना नंबर विल इनफाइनाइट याद है हम लोग स्लोप में इस तरह की बातें करते थे कि अगर स्लोप वीटी कर्व परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस हो जाएगा है ना हम लोग इस तरह की बातें करते थे, थे ना कि अगर वीटी कर्व में काइनेमेटिक्स में अगर आपको याद होगा कि अगर कर्व परपेंडिकुलर टू डिकुलर टू टाइम एक्सिस हो गया दिस इज वेलोसिटी दिस इज टाइम आशुतोष आपने ये क्वेश्चन पूछा था अगर यह परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस हो जाएगा so 90 क्या होता है इन फाइनाइट और स्लोप ऑफ एनी कर्व इज टेन थीटा करेक्ट सो इसलिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा इसका टेन नाइनटी हो जाएगा दैट विल बी इन फाइनाइट और और कर्व का स्लोप हमें देता है क्या एक्सेलरेशन दैट्स वाई इट्स एक्सेलरेशन विल बी इनफाइनाइट ओके इनफाइनाड बाई वन इट विल बी जीरो और थर्टी सेवन टेन थर्टी सेवन क्या होगा थ्री बाई फाइव डिवाइडेड बाई फोर बाई फाइव 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 कैंसिल थ्री बाई फोर यहां पर क्या हो जाएगा फोर बाई

देखिए आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको साइन या और कॉस याद है तो टेन तो फिर आप ऑटोमेटिक निकाल लेंगे टेन तो आपने ऑटोमेटिक निकाल लिया ना अब हम लोग लिखेंगे कौशेक के बारे में लेट्स टॉक अबाउट कौशेक साइन का रिवर्स क्या हो जाएगा कौशेक ये रहा कौशेक थीटा सो so, वन बाई जीरो है थीटा. So zero, by, ना आप ऐसा करते जाइए ये बार बार इसको इट विल बी टू वन डिवाइडेड बाई वन बाई रूट टू इट विल बी रूट टू आप इसको बस उल्टा कर दीजिए ना ये हो जाएगा टू बाई रूट थ्री वन बाई वन इट विल बी वन वन by जीरो अगेन infinite. This दिस विल बी फाइव बाई थ्री एंड दिस विल बी फाइव बाई फोर ठीक है तो अगेन आपको कौशिक थीटा याद करने की जरूरत नहीं है इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ साइन थीटा अगेन हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं

and this will be minus of 1 this will 5 by 4 and this will be 3 5 by 3 the last one is last one is cot theta कॉट थीटा कॉट थीटा क्या होगा कॉट थीटा ग्रीन कलर का टेन का रिवर्स कॉट कॉट थीटा ठीक है सो कॉट थीटा में हम लोग क्या लिखेंगे देखिए वन बाई टेन बोले तो वन बाई जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट वन बाई रूट थ्री इसका इनवर्स करेंगे तो रूट थ्री ऊपर चला जाएगा दिस विल बी रूट थ्री दिस विल वन दिस विल वन बाई रूट थ्री ये हो जाएगा one by infinite बोले तो जीरो और ये वन बाई जीरो अगेन इनफाइनाइट थ्री बाई फोर का इनवर्स हो जाएगा फोर बाई थ्री और फोर बाई थ्री का इनवर्स हो जाएगा थ्री बाई फोर तो सच पूछिए तो मुझे भी ये एक थीटा सेक थीटा थीटा नहीं याद है और जरूरत भी नहीं पड़ा अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद है थीटा sin थीटा तो साइन थीटा का वैल्यू याद है तो ऑटोमेटिकली कॉस थीटा आ जाएगा कोस थीटा का वैल्यू याद है तो सेक थीटा आ जाएगा और टेन थीटा का वैल्यू याद है तो कॉट थीटा Easily आ जाएगा तो वट यू नीड टू डू इज रिमेंबर दिस थ्री टिक्नोमेट्रिक रेशियो आपको ये तीन को याद रखना है इसका जस्ट रिवर्स ये आ जाएगा बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम नो नो ओके ग्रेट अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखते हैं देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रेंगल बनाने जा रहा हूं कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमने बोला कि इसका यूज है टू फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ है ना किसका रेशियो ऑफ लेंथ फाइंड आउट करने में ये मदद करता है ऑफ अ राइट एंगल ट्रेंगल तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रेंगल लेट से दिस इज अ राइट एंगल ट्रेंगल एक आपका राइट एंगल ट्रेंगल हो गया ठीक है और ये जो एंगल होगा दिस एंगल लेट से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है सो तो अगर ये थीटा है तो इसका सामने वाला फेस को परपेंडिकुलर कहेंगे इसके एडजेसेंट साइड को बेस कहेंगे और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको हम लोग कहते हैं। आई होप ये तो आप सबको क्लियर होगा है ना अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं तो ये थीटा नहीं ये वाला एंगल थीटा लेंगे, तो परपेंडिकुलर ये सामने वाला साइड हो जाएगा बेस ये वाला साइड हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस रह जाएगा नाउ इस ट्रेंगल को यूज करेंगे इस ट्रेंगल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे बनाते हैं वो देखिए सबसे पहला जो होगा इसमें वो आएगा साइन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहां से देखिए फर्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिनियस परपेंडिकुलर पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इस चीज को थोड़ा सा हम लोग विजुअलाइज करते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया मान लीजिए कि ये थीटा इज इक्वल टू थर्टी डिग्री है जस्ट इमेजिन ये जो एंगल है थीटा means, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होना चाहिए वन और इस हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना होना चाहिए टू मेरी बात समझ में आई एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेता हूं मान लीजिए कि आपको एक ऐसा ट्रेंगल दिया गया यज ए ट्रेंगल अ ट्रेंगल जिसका वैल्यू ये अपने को एंगल फाइंड आउट करना है कि इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल कितना है जिसमें कि ये साइड लेंथ दिया गया है वन ये साइड लेंथ दिया गया है वन तो ये एंगल कितना होगा फाइंड आउट दिस एंगल क्या कोई बता सकता है फोर्टी फाइव डिग्री यस एवरी वन गौतम हर्ष पीयूष पीयूष बता सकते हो क्या ओके okay, हर्ष बोल रहा है यस कृष्णा अभिषेक का भी आंसर आया फोर्टी फाइव देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके हैं पहला चीज ये बेस हो गया वन ये हो गया वन तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके मैं यहां से यहां तक का लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूं पीयूष कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इट विल बी अंडर रूट ऑफ टू पियूस आवाज आ रही है अब तक यस सर ओके ये समझ में आया आपको वन प्लस वन का अंडर रूट दैट विल बी रूट टू लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम पता है ना यस सर ओके नाउ अब <coughs> आप यहां से कोई भी रेशियो लिख लीजिए कोई भी रेशियो जो आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल करिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो साइन थीटा इज इक्वल टू मैं यहां से क्या लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज हाइपोटेनियस सॉरी तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर वन डिवाइडेड बाय रूट टू करेक्ट अब देखेंगे कि वन बाय किसका वैल्यू है साइन के किस वैल्यू के लिए किस एंगल के लिए वैल्यू वन बाय रूट टू आता है इज तो वी कैन राइट दिस इज़ इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री क्या ये समझ में आया सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू जो दूसरा फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूं थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटिनियस बेस अपॉन मैं इसी फॉर्मूले में थीटा का फॉर्मूला लिखता थीटा क्या होता है अगेन बेस, बेस तो so, मैं कॉस में जाकर के चेक करूंगा वन बाई रूट टू किसका वैल्यू है फोर्टी फाइव डिग्री का तो यहां से भी मेरा आंसर आया कितना थीटा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री करेक्ट ना थर्ड इज थर्ड इज टेन थीटा थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज अपोजिट साइड अपॉन बेस परपेंडिकुलर पी बाई बी अगेन मैं इस एग्जांपल से मैं चेक कर सकता हूं कि अगर टेन थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला लिखूं तो इस ट्रैंगल से परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है one. बेस का वैल्यू कितना है डिवाइडेड इट विल बी के किस वैल्यू के लिए वैल्यू है किस थीटा के लिए वैल्यू वन होगा दिस इज फोर्टी फाइव डिग्री अगेन अगेन थीटा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री तो आपने देखा कि हम चाहे रेशियो कोई भी ले लें साइन ले कॉस ले टेन ले कोट ले जो मर्जी आप रेशियो इस्तेमाल करिए जो आपका एंगल का वैल्यू है वो सारे ही केसेस में क्या आया है सेम आया है इसका मतलब ये नहीं है कि से आप साइन थीटा, कॉस थीटा और कुछ भी ले लेंगे तो आपका एंगल या सॉरी जो रेशियो होगा वो अलग अलग आ जाएगा ऐसा नहीं है एंगल सब केस में सेम होगा बस लेंथ का रेशियो बदलते जाएगा फॉर्मूला बदलते जाएगा तो so, ये तीन बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा करेक्ट अगर मुझे लिखना पड़े कि कॉस थीटा बताइए तो वन बाई साइन थीटा लिख देंगे दैट इज हाइपोटिनियस अपॉन परपेंडिकुलर सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा दैट इज हाइपोटिनियस अपॉन बेस आप यहां पर लिख सकते हो दिस इज नथिंग बट हाइपोटिनियस अपॉन परपेंडिकुलर याद करने के लिए अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है दिस इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड दिस विल बी बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर बी बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये टेबल को आप एकदम याद कर लीजिए है ना रटना है रट जाइए समझ में आ गया तो बहुत आज अच्छी बात है पहले से याद है तो और अच्छी बात है. बोलिए किसी को डाउट एनी वन हर्स वगैरह कोई भी नहीं नहीं ओके ठीक है ओके ठीक है अब देखिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको जानना चाहिए है ना ज्यादा तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा बट कुछ फॉर्मूला एक दो और है जो मैं आपको बता देता हूं इसको मैं इरेज कर देता हूं काम हाँ, मैं इसको एक फॉर्मूला सीटी बना देता हूं तो मैं इस पर दूसरे पेज पर पे मैं नहीं जाता हूँ क्या बोलते हो यहीं पर लिख दू क्या वो फॉर्मूला या चलो नेक्स्ट पेज पर तो 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 में विजिबल है ये ओके ओके तो मैं आप लोगों को एक दो फॉर्मूला और बताता हूँ ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा देखो आप प्रीवियस स्लाइड में जरा ध्यान दीजिए कॉस और साइन का जो वैल्यू सेम है तो उन दोनों को जरा ऐड करके देखो वैल्यू कितना आता है कॉस साइन थर्टी का वैल्यू कॉस के किस वैल्यू के लिए बराबर है सिक्सटी के लिए तो इन सिक्सटी और थर्टी को जोड़िए वैल्यू कितना आएगा नाइनटी है ना साइन का सिक्सटी डिग्री कॉस के कितने डिग्री के बराबर है थर्टी डिग्री के बराबर इन दोनों को जोड़िए वैल्यू कितना आएगा नाइनटी साइन का फोर्टी फाइव डिग्री कॉस के फोर्टी फाइव डिग्री के बराबर है इन दोनों को ऐड करिए फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव वैल्यू कितना आएगा नाइनटी साइन का जीरो नाइनटी के, के बराबर है जीरो प्लस नाइनटी कितना होगा नाइनटी। साइन थर्टी सेवन कॉस फिफ्टी थ्री के बराबर है थर्टी सेवन प्लस फिफ्टी थ्री जोड़ेंगे तो कितना आएगा नाइनटी। इन सब से, इन दोनों से अपने को एक चीज ये समझ में आया क्या फॉर्मूला ये है कि साइन ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा नाइन्टी माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है साइन ऑफ नाइंटी माइनस थीटा थीटा होता है एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने लिखा है साइन ऑफ सिक्सटी डिग्री साइन ऑफ सिक्सटी डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो साइन साइन नाइनटी माइनस थर्टी डिग्री साइन नाइन्टी माइनस थर्टी डिग्री बेसिकली ये सिक्सटी डिग्री की जगह पर मैंने क्या लिखा है नाइन्टी माइनस थर्टी ठीक है सो थीटा के जगह पर क्या आ गया थर्टी डिग्री तो साइन सिक्सटी कितने के बराबर आ जाएगा कॉस थर्टी डिग्री के बराबर क्या ये बात समझ में आई किसी को डाउट है क्या अगर मैं पूछूं कि साइन 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 फोर्टी टू डिग्री टी टू डिग्री कॉस के कितने डिग्री के बराबर होना चाहिए कोई बता सकता है यस 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 सो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि साइन नाइन्टी माइनस नाइनटी माइनस फोर्टी एट डिग्री सो थीटा के जगह पर आ गया कितना फोर्टी एट डिग्री तो वी कैन राइट दैट विल बी कॉस ऑफ 48 डिग्री है ना तो 42 टू साइन फोर्टी डिग्री कॉस 48 डिग्री के बराबर होगा है ना दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला इसी को रिवर्स कर दीजिए आप इसका रिवर्स भी लिख सकते हो रिवर्स इन द सेंस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा जो कॉस नाइन माइनस थीटा होगा ये साइन थीटा के बराबर होगा एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकता हूं कि कॉस ऑफ कॉस ऑफ सिक्स डिग्री विल बी इक्वल्स टू साइन के किस एंगल के बराबर होगा ये ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर यस इट विल बी साइन ट्वेंटी फोर डिग्री क्या करेंगे नाइन्टी में से इसको माइनस कर दीजिए ऑटोमेटिकली यहां पर वैल्यू आ जाएगा दिस इज फॉर्मूला नंबर वन वाइस वर्षा इज करेक्ट। एक फॉर्मूला टेन के लिए भी है टेन के केस में मैं लिख सकता हूं टेन टेन नाइन्टी माइनस थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू इक्वल्स टू कॉट थीटा टेन का उल्टा हमेशा याद रखिएगा क्या है कॉट कॉट थीटा ठीक है इसको कोई दिक्कत ये एक फॉर्मूला है अगला कंसेप्ट है अबाउट द साइन वो भी मैं बता ही देता हूं जब इतना कुछ पढ़ चुके हो यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है नो no. हर्ष का कहना है नो पीयूष गौतम नो सर आगे बढ़े फिर यस ओके चलिए अब देखिए जितना भी एंगल है हम लोग जानते हैं कि अगर आप टोटल मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ साइन कन्वेंसन योर नेम विल बी साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन मतलब एंगल को लेकर के एक ट्रिक है साइन कन्वेंसन कहा जाता है इसको आप हेडिंग के तौर पे जान सकते हो कि किस एंगल का वैल्यू पॉजिटिव होगा और किसका नेगेटिव होगा है ना तो मान लीजिए मान लीजिए ये आपका एक क्वाड्रांट है इसको हम लोग क्वाड्रांट कहते हैं अगर मैं टोटल एक कंप्लीट सर्कल में गोल घूम जाऊं तो टोटल एंगल एंगल होगा कितना 360 डिग्री यही होता है ना टोटल एंगल कितना होगा 360 डिग्री इस 360 डिग्री को हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया This is 90 this is 90 this is 90 and this is 90 Correct? तो मैं इसको क्या likhunga 0 degree. मान लीजिए कि मैं rotation yahan से start करता hu या मानना क्या है हमेशा हम लोग positive x से ही start करते हैं angle का मेजरमेंट और किस डायरेक्शन में मेजर करते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंटी Anti-clockwise direction डायरेक्शन इज पॉजिटिव अगर आप एंगल को ऐसे मेजर करेंगे दिस तो विल बी पॉजिटिव और अगर एंगल को आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, तो विल बी है ना? जैसे इधर के तरफ जाओगे तो यहां पर लेट से एक एग्जांपल दे रहा हूं बाद में मैं मिटा दूंगा लेट से कि ये एक लाइन है ये लाइन कुछ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है सिक्सटी डिग्री तो क्या ऐसा ही एक लाइन नहीं होगा जो कि नीचे भी बना रहा होगा सिक्सटी डिग्री ये भी सिक्सटी डिग्री है पर दोनों में फर्क पता है क्या है दिस इज पॉजिटिव सिक्सटी डिग्री एंड दिस इज निगेटिव सिक्सटी डिग्री आर यू गेटिंग बाई पॉइंट अगर आप डिग्री मतलब एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निगेटिव डायरेक्शन में मेजर करेंगे दैट विल बी पॉजिटिव सो हियर इट विल बी अ नोट पॉइंट फॉर यू ऑल आप यहां पर एक नोट कर सकते हो एंगल एंगल मेजर्ड एलॉन्ग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन Anti-clockwise direction from from positive x-axis from positive x-axis is considered as positive angle considered as positive angle and and along along clockwise direction शॉर्ट में मैंने लिखा है क्लॉक वाइज डायरेक्शन विल बी विल बी नेगेटिव एंगल विल बी नेगेटिव एंगल ये जो होगा ये नेगेटिव माना जाएगा ठीक है ये आपके लिए एक फर्स्ट रूल हो गया क्या यह समझ में आया कोई दिक्कत आगे बढ़े ठीक है नेक्स्ट पेज पर जाते हैं नेक्स्ट पेज रूल नंबर टू रूल नंबर टू क्या है रूल नंबर टू रूल नंबर टू ये बोल रहा है कि अगर मैं कंप्लीट रोटेशन कर लू कंप्लीट रोटेशन करूं तो मैं एंगल मूव करूंगा कितना 360 डिग्री मैं एक एंगल मूव कर जाऊंगा 360 डिग्री ठीक है 360 डिग्री अगर मैं इस एंगल को चार पार्ट में डिवाइड कर दू दैट इज क्वाड्रेंट वैसे हम लोग इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से भी जानते हैं ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह तो दोनों सेम ही है आप इसको कह सकते हो कि दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस विल बी माइनस ऑफ वाई एक्सिस दिस इज माइनस ऑफ एक्स एक्सिस और ये रहा आपका ओरिजिन मतलब यहां से इधर गए नेगेटिव इधर गए पॉजिटिव ऊपर गए पॉजिटिव नीचे गए कट गया ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल नाउ अगर मैं बोलूं कि इस पूरे कंप्लीट वन रोटेशन को चार पार्ट में डिवाइड कर दे तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिस इज सेकंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वार ठीक है टाइम हो गया आप लोगों का मैं आप लोगों को एक जल्दी जल्दी में एक सिंपल सा एक ट्रिक बता देता हूं कास्ट रूल सी एस एंड टी कास्ट रूल इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले जो भी एंगल होगा जीरो से लेकर नाइन्टी डिग्री तक इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑल ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव है ना सेकंड क्वाड्रेंट में बोले तो 90 से लेके 180 तक सिर्फ साइन का वैल्यू ही पॉजिटिव होगा साइन से रिलेटेड और क्या है कौशेक तो आप साइन और कौशिक को साथ में ही लेकर चलिएगा कौश को और सेक को साथ में लेके चलिएगा साइन को कोर्ट में साथ में लेकर चलिएगा। तो यहां पर 90 से लेकर 180 तक जो भी एंगल होगा, वहां पर साइन क्या होगा? पॉजिटिव। बाकी सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव। 180 से लेकर 270 डिग्री तक, दिस इज़ जीरो डिग्री, दिस इज़ 90, दिस इज़ 180 एंड दिस इज़ 270 एंड अगेन दिस विल बी 360. है ना so यहां पर क्या होगा जो tan होगा या कह सकते हो कि कॉट क्या होगा ये होगा पॉजिटिव tan पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा 180 से लेकर 270 तक बाकी सारे के सारे क्या होंगे निगेटिव ठीक है cos फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा रिलेटेड सेक है तो वो भी क्या होगा पॉजिटिव तो कॉस पॉजिटिव होगा का मतलब 270 से 360 तक तीन एंड सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे टाइम वैसे हो गया है आप लोगों का हम लोग इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है टिल देन बाय बाय